बुला लीजिए अखिलेश यादव ने ये हमला बोला। अखिलेश यादव ने भी शायरी अंदाज में तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं। वित्त मंत्री की शायरी पर अखिलेश यादव का हमला देखने को मिला। एमओयू की सूचना सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार सपने दिखाना बंद करे। अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर आए। चर्चा के दौरान अखिलेश और सुरेश खन्ना में बहस जो है वो देखने को मिली है। संकल्प पत्र में जो वादा किया सभी पूरा करेंगे, सुरेश खन्ना ने यह बात कही। जनता ने इसी बात के लिए हमें चुना है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर आए। जनता ने हमें चुना, ये ही विश्वसनीयता है। वित्त मंत्री, जनता का शासन ही राजनीतिक विश्वसनीयता। 4 लाख करोड़ का निवेश का अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। सबका साथ सबका विकास नारे पर भी तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए। सदन में सरकार जवाब देने से भाग रही है। अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर आए। सभी विपक्ष के लोग जातीय जनगणना चाहते हैं। नहीं, आपको नहीं अच्छी लग रही है? नहीं, आप तो वित्त मंत्री है ना, अभी आपके भी मेडिकल कॉलेज पे आऊंगा मैं। पेपर अभी आ रहा हूँ मैं मेडिकल कॉलेज। पेपर का रेफरेंस तो बताएं, कहाँ का पेपर? अच्छा, पेपर बता दें। ये नहीं मानेंगे, इंडिया टुडे पढ़ दूं? इंडिया टुडे नहीं, पेपर को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? ये ऑथेंटिसिटी आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। कोई जिस पेपर को आप पूछ लीजिए, जिस पेपर को इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे। जिस पेपर मैंने कहा कि ये बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है, जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ, जिस पेपर को कोट कर रहे हैं उस पेपर का कम से कम नाम तो बताना चाहिए। नहीं नहीं, आप अपने अधिकारी पढ़े लिखे हैं उनसे पढ़ लेना। अधिकारी से कितनी पूछ रहे हैं आप? क्रेडिबल एजेंसी, क्रेडिबल आपको बताते हैं, क्रेडिबल एजेंसी कहीं से, उस एजेंसी का नाम भी तो हो, कोई एजेंसी का नाम बताया जाए। दें क्या नाम पढ़ दें? नाम बताना पढ़ दें, नाम बताना चाहिए। खेर एज करके कंपनी है, एनीवे आप लोग पता कर लेना खेर एज, और फिर मैं इंडिया टुडे का भी पढ़ दूंगा। आप चुनाव जीत सकते हो लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही थी, जवाब देना जरूरी है। बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की संकल्प पत्र है, मान्यवर पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये इस बार में आया, और इस बार भी जितने वादे किए 130 वादे किए, उसमें से 110 वादों पर काम किया है मान्यवर। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया था, क्रेडिबिलिटी। और जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर है, क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। नारा है सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोले तो वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लगे अध्यक्ष महोदय।
चलिए बढ़ते आगे प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एसपी विधायक विजमा यादव दोषी करार दे दी गई है कोर्ट ने। 1.5 साल की सजा सुनाई है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी विधायक विजमा यादव दोषी करार दे दी गई है, कोर्ट ने 1.5 साल की सजा सुनाई है। प्रयागराज से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं।